अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बेसिक राउटिंग की लैब करेंगे। ये हमारी सबसे पहली लैब है। हमारे पास दो सिस्टम हैं जिन्हें हमने एक राउटर के साथ कनेक्ट किया है, और हम देखेंगे कि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये दो सिस्टम हैं। दोनों सिस्टम हमारे पास दो डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट हैं। हमारे पास ये जो पहला सिस्टम है, ये एक नेटवर्क का पार्ट है जिसे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.5.2, और इसका गेटवे होगा 5.1 जो कि राउटर की इंटरफेस पे कन्फिगर्ड है। इसी तरह हमारे पास एक और सिस्टम है जिसे हमने एक दूसरे नेटवर्क में से आईपी असाइन किया है जो कि है 172.16.1.2, और इसका गेटवे होगा 1.1 जो कि राउटर की इंटरफेस पे कन्फिगर्ड है। तो यूं ये दोनों सिस्टम डिफरेंट नेटवर्क का पार्ट हैं, और ये दोनों नेटवर्क एक ही राउटर पे कन्फिगर्ड हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं क्या ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और हमने कोई डायनामिक या स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं चलाया इस राउटर पे। एक ही राउटर के साथ ये कनेक्टेड है, और हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर या तो यस होगा या ना होगा कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट या तो कर सकते हैं और या नहीं कर सकते। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारा आंसर है यस, यानी कि अगर दो सिस्टम एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड हैं तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन रुकें, कैसे? क्या आपको पता है कि आंसर हाँ में क्यों है? क्यों वो दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? हमें ये तो पता है कि ये दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं? अगर आपको इसका नहीं पता तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखें। आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि दो सिस्टम अगर सेम राउटर के साथ कनेक्टेड हैं तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये दोनों सिस्टम जो एक राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, इन्हें हमने डिफरेंट नेटवर्क्स में से आईपी एड्रेस असाइन कर दिए हैं, और ये एक ही राउटर के साथ कनेक्टेड होने की वजह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राउटिंग की, और राउटिंग को अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वजाहत करेंगे कि किस तरह ये सिस्टम जिसको आईपी एड्रेस असाइन है 192.168.5.2, ये किस तरह से कम्युनिकेट कर सकता है एक ऐसे सिस्टम को जिसको दूसरे नेटवर्क में से आईपी एड्रेस असाइन है 172.16.1.2। ये बेसिक लैब है, लैब 1 हमारी राउटिंग की, और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको राउटिंग का अंडरस्टैंड हो कि किस तरह से राउटिंग परफॉर्म होगी। तो 5 चीजें हैं जिन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हमें राउटिंग का आइडिया होना चाहिए, राउटिंग टेबल का, कि राउटिंग टेबल किस तरह बनेगा। देन हमें राउटिंग के प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए। देन हमें OSI लेयर्स का आइडिया होना चाहिए, और देन हम फॉरवर्डिंग पाथ कम्युनिकेशन और रिवर्स पाथ कम्युनिकेशन। हमारे पास दो तरह के पाथ होंगे, एक फॉरवर्ड पाथ होगा, एक रिवर्स पाथ होगा। हम इन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले हम राउटिंग टेबल के हवाले से डिस्कस करते हैं। तो इस केस में जहां हमारे पास दो सिस्टम जिन्हें डिफरेंट नेटवर्क में से आईपी एड्रेस असाइन किया गया है, वो एक सेम राउटर के साथ कनेक्टेड हैं, तो ये राउटर अपना राउटिंग टेबल मेंटेन करेगा। तो ये अपने राउटिंग टेबल में अब क्या मेंटेन करेगा? हमारे पास ये जो पहला सिस्टम कनेक्टेड है, इसका नेटवर्क 192.168.5.0/24 का नेटवर्क अपने पास उस इंटरफेस की तरफ, उसको ये राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा कि ये नेटवर्क मुझे GE0/0/0 जो कि इंटरफेस है, यहां से मिल रहा है। इसी तरह
ये इसका वो आईपी एड्रेस जो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, जो कि है 192.168.5.1, इसको भी अपने राउटिंग टेबल में मेंटेन करेगा कि ये GE0/0/0 इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर्ड है, और इसे ये राउट सोर्स एल से जाहिर करेगा, कैपिटल एल, जिसका मतलब है लोकल, यानी कि ये राउट लोकली इस राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है, और राउट सोर्स सी का मतलब है कनेक्टेड, मींस कि ये नेटवर्क इस राउटर के साथ GE0/0/0 पे कनेक्टेड है। इसी तरह ये राउटर दूसरे नेटवर्क को भी मेंटेन करेगा क्योंकि वो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड के लिए वो राउट सोर्स सी यूज करेगा और इस नेटवर्क को भी अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा कि 172.16.1.0/24 का ये नेटवर्क जो है इसे इंटरफेस GE0/0/1 के थ्रू मिल रहा है, उसे ये राउटिंग टेबल में राउट सोर्स कैपिटल सी के साथ अपडेट कर देगा। इसी तरह ये अपने पास वो उस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी एड्रेस कन्फिगर्ड है, GE0/0/1 इंटरफेस के ऊपर ये जो आईपी एड्रेस कन्फिगर्ड है 172.16.1.1, इसे भी राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। चूंकि ये आईपी राउटर के ऊपर लोकली कनेक्टेड है, यानी कि ये लोकली कन्फिगर्ड है, तो इसे ये राउट सोर्स कैपिटल एल के साथ राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा। और चूंकि ये एक ही आईपी इस राउटर के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड है इस केस में, इस नेटवर्क में से, तो इसे ये /32 के साथ अपडेट करेगा। तो इस तरह ये राउटर अपना राउटिंग टेबल बनाता है जब कोई सिस्टम इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे, और ये इंटरफेसेस GE0/0/0 और GE0/0/1 अगर हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली अप की हुई हैं और फिजिकली भी ये अगर अप हो गई है, तो राउटर अपना राउटिंग टेबल अपडेट करेगा। राउटिंग प्रोसेस के हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि राउटर में राउटिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो राउटिंग प्रोसेस के लिए हमने 6 स्टेप्स बनाए थे। हमारे पास सबसे पहला स्टेप है कि राउटर की इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में कोई मैसेज आएगा, कोई डेटा, कोई मैसेज, या इसे आप आईपी पैकेट कह सकते हैं, बिट्स की फॉर्म में ये पैकेट आएगा। देन स्टेप 2, राउटर इन बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके ईथरनेट फ्रेम बनाएगा। ईथरनेट फ्रेम ओएसआई लेयर 2 का हेडर है। इसमें से ये डेस्टिनेशन मैक को निकालेगा और स्टेप 3 में ये उस डेस्टिनेशन मैक की आइडेंटिफिकेशन करेगा। उस डेस्टिनेशन मैक को ये अपने ही राउटर की इस इनकमिंग इंटरफेस के मैक एड्रेस के साथ कंपेयर करेगा, और जब ये मैच हो जाएगा देन ये राउटर स्टेप 4 करेगा, आने वाली बिट्स को फर्दर डी इनकैप्सुलेट करके आईपी पैकेट उनसे हासिल करेगा, जो कि ओएसआई लेयर 3 का हेडर है। उसमें से ये डेस्टिनेशन आईपी को देखेगा। देन राउटर स्टेप 5 करेगा राउट लुकअप। इस केस में ये इस डेस्टिनेशन आईपी को राउटिंग टेबल में से चेक करेगा, राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री चेक करेगा। अगर एंट्री मौजूद नहीं है तो ये इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, और अगर एंट्री मौजूद है तो ये आउटगोइंग इंटरफेस उसके अगेंस्ट हासिल करेगा। जब आउटगोइंग इंटरफेस इसको मिल जाएगी तो ये क्या करेगा, स्टेप 6 में इसने उस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर डेटा को सेंड करना है, तो ये एक आईपी पैकेट को ईथरनेट फ्रेम में इनकैप्सुलेट करेगा, देन बिट्स में इनकैप्सुलेट करके उन बिट्स को इस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर सेंड कर देगा। तो इस तरह इन 6 स्टेप्स की बेस के ऊपर राउटर अपना राउटिंग प्रोसेस करता है। ओएसआई लेयर की हवाले से हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बेसिकली लेयर 7 तक सपोर्ट करता है, इसमें हम एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं, तो ये ओएसआई की सात सातों की सातों लेयर को सपोर्ट करता है। तो ये सिस्टम जो है ये एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। तो इस तरह ये मैसेज को, ये डेटा को इनकैप्सुलेट करके एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डेटा लिंक और देन फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में, ये इस फिजिकल मीडिया के ऊपर ये बिट्स की फॉर्म में जो डेटा है ये राउटर को सेंड करेगा। देन राउटर अपनी इनकमिंग इंटरफेस पे क्या कर रहा होगा,
राउटर अपनी इनकमिंग इंटरफेस के ऊपर ये जो बिट्स की फॉर्म में डाटा रिसीव हुआ है उसे डाटा लिंक लेयर में कन्वर्ट करेगा, यानी कि डी इनकैप्सुलेट करेगा, देन डी इनकैप्सुलेट करके नेटवर्क नेटवर्क लेयर में आईपी पैकेट हासिल करेगा। तो राउटर चूंकि लेयर 3 डिवाइस है, ये सिर्फ पहली 3 लेयर तक ऑपरेट करता है। तो इस तरह ये फिजिकल लेयर से डाटा लिंक और डाटा लिंक से नेटवर्क लेयर का हेडर हासिल करेगा। देन राउटर अपनी आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर क्या करेगा, अपनी आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर वो उस नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर और देन फिजिकल लेयर पे बिट्स की फॉर्म में डाटा को इनकैप्सुलेट करके इस लिंक के ऊपर दूसरे सिस्टम को सेंड कर देगा। अब इस सिस्टम पे क्या हो रहा होगा, इस सिस्टम के ऊपर जो फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डाटा आया उसमें से डाटा लिंक लेयर बनाई गई, देन नेटवर्क लेयर, और इस तरह ये डी इनकैप्सुलेट होके इस सिस्टम के पास एप्लीकेशन लेयर तक डाटा रिसीव हो जाता है। तो इस तरह ओएसआई लेयर्स जो हैं परफॉर्म कर रही होती हैं इस कम्युनिकेशन में, जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में के साथ कम्युनिकेट करेगा तो इस तरह से डाटा जो है ओएसआई लेयर्स के ऊपर इस तरह से मूव कर रहा होता है। फॉरवर्डिंग पाथ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास, हम तसव्वुर करते हैं कि ये जो सिस्टम है जिसे हमने आईपी एड्रेस असाइन किया 192.168.5.2, इसे हम एज अ सोर्स तसव्वुर कर लेते हैं कि ये सोर्स है, और डेस्टिनेशन क्या है 172.16.1.2, इसे हम डेस्टिनेशन तसव्वुर कर लेते हैं। मींस सोर्स ने कोई मैसेज जनरेट करना है, कोई डाटा जनरेट करना है और उसने सेंड करना है रिसीवर को, जो कि डेस्टिनेशन है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जो कम्युनिकेशन है ये हमारे पास फॉरवर्ड पाथ कम्युनिकेशन होगी। तो इस केस में हम देखते हैं कि किस तरह से एक पैकेट जनरेट होगा और वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव करेगा। तो सोर्स जो है ये एक डेस्कटॉप मशीन है, तो ये अपने एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट और देन नेटवर्क लेयर पे हेडर को बनाएगी। तो नेटवर्क लेयर पे जब ये लेयर 3 का हेडर बनाएगी तो उसमें ये सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी मेंशन करेगी। अब इस केस में सोर्स आईपी क्या है, 192.168.5.2, तो ये इसे अपने हेडर में अपडेट करेगी। और इसने कम्युनिकेशन किसके साथ करनी है, वो है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है, 172.16.1.2, इसे ये अपने डेस्टिनेशन आईपी में अपडेट करेगी। तो इस तरह से ये नेटवर्क का हेडर, नेटवर्क लेयर का हेडर बन गया। देन ये नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर का हेडर बनाएगी, और डेटा लिंक लेयर हेडर पे ये क्या कर रही होगी, ये जो मशीन है ये डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक को अपडेट कर रही होगी। तो इस केस में ये क्या करती है कि ये हमारे पास जो डेस्टिनेशन मैक है वो इस सिस्टम का जो मैक होगा वो सोर्स मैक होगा, और वो इस केस में हमने अपडेट किया है 4 times A, तो ये इस ए ए ए ए को सोर्स मैक में अपडेट कर देगी। और डेस्टिनेशन मैक होगा डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक, तो ये सिस्टम जो है ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, तो राउटर का उस इंटरफेस का मैक है BBBB, जिसे ये डेस्टिनेशन मैक में अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से डेटा लिंक लेयर का लेयर 2 हेडर बना जिसके अंदर डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक को अपडेट कर दिया गया, और ये मैक एड्रेस जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस के हैं। ये सोर्स चूंकि एक राउटर के साथ कनेक्टेड है तो सोर्स का जो मैक होगा वो सोर्स मैक होगा, और डेस्टिनेशन मैक बेसिकली डेस्टिनेशन मशीन का नहीं होता, वो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का होता है। तो इस सोर्स के साथ, इस मशीन के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है वो एक राउटर है, तो ये इस राउटर की इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा। अब ये मशीन जो है, सोर्स मशीन जो है, डेटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में इस पैकेट को, इस मैसेज को बिट्स की फॉर्म में इनकैप्सुलेट करके राउटर को इस लिंक पे सेंड कर देगी। तो राउटर के ऊपर ये डेटा जो है, हमारा जो राउटिंग का सबसे पहला प्रोसेस होगा, ये मैसेज जो है राउटर के ऊपर फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में रिसीव हुआ। देन राउटर ने क्या किया, इन बिट्स को डीनकैप्सुलेट करके डेटा लिंक का हेडर हासिल किया। तो राउटर को ये हेडर पता लग जाएगा जिसमें
सोर्स मशीन ने डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक अपडेट किया था, जो कि ये था। अब इस राउटर को पता लग गया कि डेटा लिंक लेयर का जब इसने हेडर ओपन किया तो इसे पता लग गया कि डेस्टिनेशन मैक बी 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 है, और ये स्टेप थ्री में क्या कर रहा होता है, डेस्टिनेशन मैक को मैच कर रहा होता है। ये इस डेस्टिनेशन मैक को अपनी इनकमिंग इंटरफेस के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से ये डेस्टिनेशन मैक को उस हेडर में से हासिल करके अपनी ही इनकमिंग इंटरफेस के मैक एड्रेस के साथ मैच करता है, और जब ये मैच हो जाता है तो ये स्टेप फोर करेगा। स्टेप फोर में ये फर्दर उन बिट्स को डी इनकैप्सुलेट करके आईपी पैकेट बनाता है, जो कि नेटवर्क लेयर का हेडर होता है। अब इस नेटवर्क लेयर के हेडर में से ये बेसिकली इसको ये सोर्स आईपी का पता लगा 192.168.5.2 है, और डेस्टिनेशन आईपी का पता लगा 172.16.1.2 है। तो इसमें से अब ये इस डेस्टिनेशन को लेगा। तो स्टेप फाइव में क्या होगा, स्टेप फाइव में राउट लुकअप हो रहा होगा, और राउट लुकअप में क्या होता है, ये नेटवर्क लेयर के इस हेडर में से ये इस डेस्टिनेशन आईपी को लेता है और इसे अपने राउटिंग टेबल के साथ कंपैरिजन करता है। तो इस तरह ये इस एंट्री को 172.16.1.2 को अपने राउटिंग टेबल में जब मैच करेगा तो इसे इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री मिल जाएगी इस कनेक्टेड नेटवर्क के साथ 172.16.1.0/24। तो ये आईपी जो है डेस्टिनेशन आईपी, ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है इस नेटवर्क में। तो ये राउटर उस नेटवर्क के अगेंस्ट ये इंटरफेस को हासिल करेगा, जो कि हमारी इस केस में आउटगोइंग इंटरफेस होगी GE0/0/1। तो स्टेप फाइव में राउट लुकअप के दौरान राउटर जब इस राउट को लुकअप करता है और राउटिंग टेबल में से चेक करता है तो उसे उसकी एंट्री मिल जाती है कि ये GE0/0/1 की तरफ ये नेटवर्क कनेक्टेड है। तो राउटर क्या करेगा, देन उस इंटरफेस के ऊपर डाटा को सेंड करेगा, और किस तरह से सेंड करेगा, वो सबसे पहले नेटवर्क लेयर को अपडेट करेगा। तो यहां पे याद रखने की बात ये है कि राउटर नेटवर्क लेयर को चेंज नहीं करता, तो वो पैकेट जो उसे रिसीव हुआ था सोर्स की तरफ से, वो उसमें से इस इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करेगा। सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी वो सेम एज इट अपडेट करेगा। सोर्स आईपी भी वही होगा कि सोर्स 192.168.5.2 है और डेस्टिनेशन कौन है 172.16.1.2। तो उसने नेटवर्क लेयर या लेयर थ्री का जो हेडर है उसकी इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं करना। देन वो डेटा लिंक लेयर पे डेटा लिंक का हेडर अपडेट करेगी। अब जब ये डेटा लिंक लेयर का हेडर ये राउटर अपडेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसमें चेंजेस करेगा। इसमें ये अब सोर्स मैक एड्रेस जो है ये अपनी इंटरफेस का मेंशन करेगा, क्योंकि इस केस में अब राउटर सोर्स है, राउटर ने लेयर टू के ऊपर डाटा सेंड करना है, तो सोर्स CCCC होगा। तो ये सोर्स को CCCC अपडेट कर देता है, और डेस्टिनेशन इस केस में अब क्या होगा, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक एड्रेस जो कि है DDDD, और ये डेस्टिनेशन मैक DDDD अपडेट कर देगा। तो लेयर टू के ऊपर क्या हो रहा होता है, लेयर टू के ऊपर हमारे पास सोर्स मैक वो जो सेंड कर रहा है, और डेस्टिनेशन मैक डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक एड्रेस होगा। तो इस तरह राउटर ने ये इंफॉर्मेशन अपडेट की, देन उसे फर्दर इनकैप्सुलेट करके फिजिकल लेयर के ऊपर बिट्स की फॉर्म में उसको सेंड कर दिया इस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर, जो है GE0/0/1। तो ये पैकेट जो है डेस्टिनेशन मशीन के पास गया। अब डेस्टिनेशन मशीन जो है वो भी इन्हीं छह स्टेप्स को परफॉर्म कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, उसके पास स्टेप वन में बिट्स की फॉर्म में डाटा आया, देन फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डाटा आया, देन वो उस फिजिकल लेयर पे जो बिट्स हैं उन्हें डीन कैप्सुलेट करके डाटा लिंक हासिल करेगी। डाटा लिंक पे वो हेडर में से डेस्टिनेशन मैक को देखेगी। तो डेस्टिनेशन मैक को उसने देखा DDDD, उसने अपनी इंटरफेस के साथ जब मैच किया तो वो मैच हो गया। इससे उसे पता लगेगा लेयर टू के ऊपर कि ये लेयर टू का हेडर मेरे लिए आया है, और अगर ये मेरे लिए आया है तो इसका मतलब है कि मुझसे बात की जा रही है, तो वो फर्दर इस डेटा लिंक से फर्दर डीनकैप्सुलेट करके आईपी पैकेट हासिल करेगा ये सिस्टम। तो जब ये सिस्टम
नेटवर्क लेयर पे आईपी पैकेट हासिल करेगा तो उसे ये इंफॉर्मेशन पता लगेगी कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है। तो इस केस में ये सिस्टम क्या करेगा, डेस्टिनेशन आईपी जो 172.16.1.2 है उसे मैच करेगा और देखेगा कि ये तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, तो उसे पता लग जाएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि लेयर 3 के ऊपर ये बेसिकली मेरे से बात की जा रही है। तो इस तरह वो फर्दर ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर और डेटा को डीनकैप्सुलेट करके हासिल कर लेता है। तो इस तरह से फॉरवर्ड पाथ कम्युनिकेशन में ट्रैफिक जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ रिसीव हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास राउटर जो है वो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी को लेयर 3 का जो हेडर है आईपी पैकेट उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी को चेंज नहीं करता है, लेकिन राउटर लेयर 2 जो कि ईथरनेट फ्रेम है उसमें सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक को अपडेट करता है। ये चीज याद रखने वाली है। रिवर्स पाथ कम्युनिकेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो रिवर्स पाथ कम्युनिकेशन में क्या हो रहा होगा, इस केस में ट्रैफिक अब वापस आ रही होगी। तो पहले ट्रैफिक 5.2 ने सेंड की थी 1.2 को, अब इस केस में क्या होगा, सोर्स ये 172.16.1.2 बन जाएगा, यानी कि अब इसने रिप्लाई करना है किसको, जो पहले केस में सोर्स था इस केस में अब वो डेस्टिनेशन बन जाएगा 192.168.5.2 को। इस केस में सोर्स ये वाला सिस्टम हुआ और डेस्टिनेशन ये पहले वाला सिस्टम हुआ, इसे हम रिवर्स पाथ कहेंगे, यानी कि फॉरवर्ड पाथ के रिजल्ट में जो रिप्लाई आएगा उसे हम रिवर्स पाथ कम्युनिकेशन कहते हैं। तो हमारे पास ये जो सोर्स है ये उसी तरह से एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट और देन नेटवर्क, तो ये नेटवर्क लेयर का हेडर अपडेट करेगा। इस केस में अब ये सोर्स मेंशन करेगा 172.16.1.2 का और डेस्टिनेशन मेंशन करेगा ये 192.168.5.2 के, मैं सोर्स हूं और मैंने डाटा को सेंड अप करना है 5.2 को जो कि डेस्टिनेशन एड्रेस है। देन ये डेटा लिंक का हेडर अपडेट करेगा, तो डेटा लिंक के हेडर में अब ये क्या करेगा, ये अपना सोर्स मैक अपडेट करेगा, डी 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 को ये एज अ सोर्स मैक अपडेट करेगा और डेस्टिनेशन मैक हमने देखा था कि लेयर 2 के केस में डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक एड्रेस जो कि है सी, तो ये डेस्टिनेशन मैक सी अपडेट करेगा। देन ये इसे फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में इस लिंक के ऊपर डाटा को सेंड कर देगा राउटर को। तो राउटर के पास स्टेप 1 में फिजिकल लेयर के ऊपर ये बिट्स की फॉर्म में डाटा आया। देन स्टेप 2 में उसने इन बिट्स को डीनकैप्सुलेट करके डेटा लिंक का हेडर हासिल किया और डेटा लिंक के हेडर में उसे क्या इंफॉर्मेशन पता लगेगी, ये डेस्टिनेशन मैक सी और सोर्स मैक डी, ये इंफॉर्मेशन इसे मिलेगी। तो अब ये क्या करेगा, स्टेप 3 में डीमैक आइडेंटिफिकेशन डेस्टिनेशन मैक को ये मैच करेगा अपनी ही इनकमिंग इंटरफेस के साथ और ये एंट्री जब मैच हो जाएगी तो ये स्टेप 4 में फर्दर मैसेज को डीनकैप्सुलेट करके नेटवर्क लेयर का हेडर हासिल करेगा और इसे नेटवर्क लेयर के हेडर में क्या इंफॉर्मेशन पता लगेगी, ये सोर्स आईपी पता लगेगा जो कि है 172.16.1.2 और डेस्टिनेशन आईपी पता लगेगा जो कि है 192.168.5.2। तो इस तरह इसे नेटवर्क लेयर का के हेडर में से ये इंफॉर्मेशन सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन पता लगी। तो अब स्टेप 5 में क्या करेगा, ये राउट लुकअप करेगा। तो राउट लुकअप में ये क्या करेगा, इस डेस्टिनेशन आईपी को अपने राउटिंग टेबल में इसकी एंट्री को मैच करेगा। तो ये इस 192.168.5.2 की राउटिंग टेबल में जब एंट्री को मैच करता है तो इसे इस नेटवर्क, ये आईपी जो है बेसिकली इस नेटवर्क से बिलोंग करता है तो इसको एंट्री मिल जाती है। तो उस एंट्री के अगेंस्ट ये आउटगोइंग इंटरफेस चेक करता है जो कि है GE0/0/0। और स्टेप 6 में क्या करेगा, ये उस आउटगोइंग इंटरफेस के ऊपर डाटा को सेंड कर देगा, लेकिन उस डाटा को सेंड कैसे करेगा, वो पहले नेटवर्क लेयर
बनाएगा, नेटवर्क लेयर का हेडर अपडेट करेगा, और वो हमने देखा कि नेटवर्क लेयर का हेडर जो है राउटर उसे चेंज नहीं करता, तो वो सेम एज इट सोर्स को और डेस्टिनेशन आईपी को एज इट कॉपी कर लेगा। देन वो डेटा लिंक का हेडर अपडेट करेगा। अब डेटा लिंक का हेडर जब इथरनेट फ्रेम को जब ये अपडेट करेगा, तो सोर्स मैक एड्रेस इस केस में ये अपना मैक एड्रेस अपडेट करेगा बी 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 बी, और डेस्टिनेशन मैक डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का मैक एड्रेस मेंशन करेगा ए ए ए ए। तो और देन ये इस डेटा लिंक से फिजिकल लेयर में बिट्स की फॉर्म में डेटा को इनकैप्सुलेट करके इस लिंक के ऊपर सेंड कर देगा डेस्टिनेशन को। अब इस डेस्टिनेशन मशीन के पास फिजिकल लेयर पे ये मैसेज बिट्स की फॉर्म में रिसीव हुआ। इस मशीन ने इसे डेटा लिंक लेयर में डीनकैप्सुलेट किया, जहां से इसे डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक का पता लगा। अब यहां ये इस डेस्टिनेशन मैक को मैच करेगा अपने डेस्टिनेशन अपने मैक एड्रेस के साथ, और एंट्री मैच हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि इस मशीन को पता लगेगा कि ये ईथरनेट फ्रेम बेसिकली मेरे लिए आया है। अगर ये मेरे लिए आया है तो मैं अब इसका आईपी पैकेट यानी कि लेयर 3 का हेडर ओपन करूंगा। तो ये नेटवर्क लेयर पे इसका आईपी पैकेट का हेडर ओपन करेगा, तो इसे अब सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी का पता लगेगा। अब यहां ये इस डेस्टिनेशन आईपी की एंट्री को चेक करेगा कि ये तो मेरा ही आईपी एड्रेस है, तो इसका मतलब ये है कि लेयर 3 का जो ये जो पैकेट है ये मेरे लिए आया है। इट मींस कि मेरे मेरे साथ कोई बात करना चाह रहा है, और कौन बात करना चाह रहा है, और वो सोर्स ये है 172.16.1.2। देन ये इसकी फर्दर लेयर्स को डीनकैप्सुलेट करके डाटा को हासिल करेगा। तो इस तरह से रिवर्स पाथ कम्युनिकेशन में हमारे पास 172.16.1.2 से ट्रैफिक जो है वो इस डेस्टिनेशन की तरफ आएगी 192.168.5.2 की तरफ, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुई है। यानी कि हमारे पास राउटर में अगर दो सिस्टम हमारे पास एक ही राउटर के ऊपर कनेक्टेड हैं, तो राउटिंग टेबल में उनकी एंट्री मौजूद होने की वजह से वो दोनों सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो हमने ऑब्जर्व की कि राउटर लेयर 3 आईपी पैकेट में डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स आईपी को चेंज नहीं करता है, लेकिन वो राउटर लेयर 2 पे इथरनेट फ्रेम में डेस्टिनेशन मैक और सोर्स मैक एड्रेस को चेंज कर देता है। इंप्लीमेंटेशन देखते हैं हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में सेम लैब की। तो हम ये राउटर लेते हैं ISR 4331। हम तो सिस्टम यहां से लेंगे, और हाँ अब हम इन दोनों सिस्टम्स को राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। पहले सिस्टम को GE0/0/0 इंटरफेस के साथ, और दूसरे को GE0/0/1 इंटरफेस के साथ। अब हम देखते हैं हमने इसे जो नेटवर्क साइन करने हैं, हमारे पास नेटवर्क 1 है 192.168.5.0/24। इस नेटवर्क में से हमने इस सिस्टम को .2IP साइन करना है, और इस नेटवर्क में से हमने राउटर को .1IP एड्रेस असाइन करना है, जो कि इस सिस्टम का गेटवे बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास नेटवर्क 2 है 172.16.1.0/24। इस केस में हमने सिस्टम को आईपी एड्रेस असाइन करना है .2, और हमने राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस असाइन करना है .1, जो कि गेटवे बन जाएगा इस पीसी का। तो हम क्विकली कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हम राउटर की CLI में जाते हैं, और हम देखते हैं सबसे पहले इसकी इंटरफेसेस। हमारे पास इसकी GE0/0/0 इंटरफेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, और 0/0/1 भी एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है। तो अब हम इन्हें कॉन्फ़िगर करते हैं। हम सबसे पहले GE0/0/0 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.1, और इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0
जीरो, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होने की वजह से हम इसे नो शट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसे नो शट करेंगे, ये ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली हमने अप कर दी है, बेसिकली ये फिजिकली भी अप है, क्योंकि फिजिकली ये कनेक्टेड है सिस्टम के साथ। तो अगर हम शो आईपी राउट करें तो हम देखेंगे कि ये नेटवर्क इसके राउटिंग टेबल में अपडेट हो चुका हुआ है। 192.168.5.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है GE0/0/0 इंटरफेस के साथ। इसी तरह अब हम इसकी इंटरफेस GE0/0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं और हम उसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं 172.16.1.1 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0। एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होने की वजह से हम इसे भी नो शट करते हैं और ये भी चूँकि फिजिकली सिस्टम के साथ कनेक्टेड है तो हम देखते हैं कि हमारे पास राउटिंग टेबल अपडेट हो चुका हुआ है। 0/0/1 से हमें मिल रहा है 172.16.1.0/24। अब हम सिस्टम्स को आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। ये जो हमारे पास सबसे पहला होस्ट है, हम इसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। तो इस होस्ट को हम डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िग में हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.5.2, सबनेट मास्क 255.255.255.0 और गेटवे इसका हो जाएगा राउटर की इंटरफेस का आईपी 192.168.5.1। अब जैसे ही हम इसे ये आईपी एड्रेस असाइन करेंगे, हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में अगर जाएं तो हमें ये गेटवे चूंकि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है ये रीचेबल होगा। सो 192.168.5.1 हमारे पास गेटवे रीचेबल है। इसी तरह हम जो दूसरा सिस्टम है उसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। हम उसके डेस्कटॉप में आईपी कॉन्फ़िग में और इसे हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे 172.16.1.2 और इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0 और इसका गेटवे हो जाएगा 172.16.1.1 जो कि राउटर की इस इंटरफेस का आईपी है जो कि इसका गेटवे बन जाएगा। तो जैसे ही हम ये कॉन्फ़िगर कर देंगे, हम इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर देखें तो हम गेटवे को पिंग कर सकेंगे 172.16.1.1 हम गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं। सो ये सिस्टम हमारे पास PC1 जो है गेटवे को पिंग कर पा रहा है और ये PC0 जो है जिसे आईपी एड्रेस हमने 5.2 साइन किया है वो 5.1 को पिंग कर पा रहा है। अब हमारी चूंकि कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है तो हम सिस्टम 1 से सिस्टम 2 को पिंग करते हैं। तो ये हमारे पास जो PC0 है हम इसे ओपन करते हैं। अब हम इस PC0 से बेसिकली PC1 को पिंग करने लगे हैं और हमारे पास PC1 का आईपी एड्रेस है 172.16.1.2। तो हम PC0 से 172.16.1.2 को अगर पिंग करें तो वो हमें पिंग हो रहा है। और अगर हम इसे ट्रेस करें 172.16.1.2 को तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास सबसे पहला हॉप है 192.168.5.1। इस सिस्टम के लिए नेक्स्ट हॉप ये राउटर, इसका गेटवे ये हमारा पहला हॉप है और उसके बाद हमें ये सिस्टम रीचेबल है 172.16.1.2 इस सिस्टम का आईपी है। इसी तरह अगर हम PC1 को ओपन करें, इसकी कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं तो यहां से हम PC0 को पिंग कर सकते हैं जिसका आईपी है 192.168.5.2। तो यहां से अगर हम पिंग करें 192.168.5.2 तो ये हमें पिंग हो रहा है। इसे अगर हम ट्रेस करें 192.168.5.2 तो हम क्या देखते हैं कि ये हमें हमारे पास ट्रेस कंप्लीट हो रहा है। हमारे पास पहला हॉप है 172.16.1.1 PC1 के लिए, इस नेटवर्क के लिए राउटर 1 का ये इंटरफेस जो है ये पहला हॉप हुआ और उसके बाद हमें PC0 का आईपी मिल रहा है 192.168.5.2। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं कि दोनों सिस्टम PC0 PC1 को पिंग कर पा रहा है और PC1 PC0 को पिंग कर पा रहा है।